नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। देश में आम चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। जिस घड़ी का इंतजार देश भर को था कि 24 के चुनाव कब कब होंगे, तो वो हम पूरा शेड्यूल आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं कि देश में 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं वो चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी तारीखों पर हैं और किस दिन आप अपने इलाके में वोट डालेंगे। इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदर्शन मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने आम चुनावों का ऐलान किया है। साल 2024 में मोदी की अगुवाई में एनडीए और राहुल गांधी की अगुवाई में जो है इंडिया अलायंस जो है वो आमने सामने होगा। ऐसे में कौन जो है किसको टक्कर देगा, ये सब नतीजे जो हैं जून में आने वाले हैं, वो तारीख कौन सी है, विस्तार से बात करते हैं। प्रदर्शन जी, सबसे पहले बताइए कि देश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है, वो चरण कौन कौन सी डेट पर हैं और नतीजे कब आएंगे? सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इस बार जो देश में चुनाव हो रहे हैं वो आम लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे, और न केवल लोकसभा के चुनाव होंगे बल्कि देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही साथ 26 विधानसभा क्षेत्रों में देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव भी होंगे, और इन तमाम चुनावों की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। और मतगणना का कार्य चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव के हों या फिर उपचुनाव के नतीजे हों, ये तमाम चीज़ें 4 जून को तय होंगे। यानी कि 4 जून को देश में जिस चीज़ के लिए का इंतजार रहेगा, 4 जून को मतगणना होगी और 7 चरणों के चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो आ जाए जरा सा हम कि किस किस चरण में कब कब चुनाव है जी। तो चुनाव की जो शुरुआत होगी वह चुनाव की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत है, और पहले चरण की चुनाव के बाद जो दूसरा चरण है वह दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, वहीं तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, पांचवें चरण में के लिए मतदान 20 मई को होने हैं, जबकि छठे चरण के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए जो मतगणना मतदान का काम होगा वह 1 जून को होगा, और साथ ही साथ इसी अवधि के दौरान देश के अलग अलग 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और इनमें जो विधानसभा के चुनाव होंगे इसके तमाम नतीजे जो हैं वो 4 जून के आएंगे। यानी कि 7 चरणों के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के 4 राज्यों के उपचुनाव और जो 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उन तमाम जगहों के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो ये 7 चरणों के अलग अलग जो अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, ये 7 तिथियां हैं, जिन 7 तिथियों को देश के 97 करोड़ के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उस पर हम विस्तार से आएंगे, लेकिन सीटें कितनी हैं एक बार आप दर्शकों को बताइए कि जो पहला चरण है वहाँ पर जो कुल हैं वो कितनी सीटें हैं। जैसे जो 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल के जब मतदान होगा तो उस दिन 102 सीटें हैं, 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होने हैं, इसी तरीके से 7 मई को 94 लोकसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 13 मई को यह संख्या 96 है, 20 मई को 49 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि 25 मई को फिर से 57 लोकसभा की सीटों पर चुनाव मतदान किए जाएंगे, जबकि 1 जून जो कि 7वां और अंतिम चरण होगा उस दिन भी 57 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होंगे। और इस तरीके से कुल जो 543 लोकसभा की सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं उसका ये अलग अलग पूरा शेड्यूल है। तो बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, इसके साथ साथ 26 सीटों पर बाई पोल्स हो रहे हैं विधानसभा की अलग अलग सीटों पर, जिसमें बिहार जो है बिहार यूपी जैसे राज्य शामिल, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ जो जैसे प्रदर्शन जी बता रहे थे कि जो है 19 अप्रैल यानी कि अप्रैल महीने में पहला चरण है, उस दिन 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 26 अप्रैल को कुल 89 सीटों पर जो कि दूसरा चरण होगा, 7 मई जो कि तीसरा चरण है उस दिन कुल 94 लोकसभा सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को 96 सीटों पर जो है वोटर्स वोट डालेंगे, 20 मई को ये 49 सीटें होंगी और 25 मई और 1 जून को 57 सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। और 4 जून वो ऐतिहासिक दिन जब देश का जनादेश किसके साथ होगा, ये सबके सामने होगा जब वोटों की गिनती होगी। तो चुनाव आयोग ने तमाम पहलुओं पर जो है वो एक तरीके से कहें कि मंथन किया। करीब 2 साल से, जैसा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कह रहे थे कि 2 साल की लगभग तैयारियां थी, एक एक चीजों को देखा गया है, और कोशिश ये हुई है इस बार कि चुनाव ऐसा हो जिसमें देश का हर आदमी जो है वो शरीक हो। क्योंकि चुनाव जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो यही थी कि
दुनिया के कई जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के जो कुल वोटर्स हैं उनको अगर जोड़ दें तो उतने वोटर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे एक देश के अंदर है। और ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। लोगों से अपील की कि जिन जिन इलाके में जो जो हमने आपको शेड्यूल बताया जिनके इलाके में जब भी वोट है तो आप उस डेट पर अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।